ओम शांति। सभी संकल्पों को एक बिंदी में मर्ज करके अपने आप को देखिए। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक दिव्य मणि हूं। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। दाता, विधाता, वरदाता भगवान का, सच्चे साहेब का मैं साहेब ज्यादा हूं। मैं ज्ञान के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, गुणों के खजाने से, सभी अविनाशी खजानों से भरपूर हूं। मैं भाग्य विधाता भगवान का भाग्यवान बच्चा हूं। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूं। मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। मेरी मूरत से रूहानी चमक दिखाई दे रही है। मेरी सूरत से सबको रूहानी सीरत अनुभव हो रही है। मैं तन, मन, धन, जन का भाग्य प्राप्त आत्मा हूं। मुझ भाग्यवान आत्मा को अब तन का हिसाब किताब कभी भी पुरुषार्थ व प्राप्ति के मार्ग में विघ्न रूप अनुभव नहीं होता। मैं भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय, किसी भी तन की बीमारी के समय, किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनता हूं।
मैं आत्मा न कभी कर्म भोग का वर्णन करता हूं, न कर्म भोग के तरफ बुद्धि व समय लगाता हूं। कितने भी बड़ी बात हो, मैं बड़ी बात को भी ज्ञान के सार से समाप्त कर देता हूं। कर्म भोग छोटा हो या बड़ा, अब कभी भी उसका वर्णन नहीं। इस योगी जीवन में कर्म भोग की कहानी का कभी विस्तार नहीं। मैं कभी भी हेल्थ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं। सदा सोल कॉन्शियस, सदा आत्म अभिमानी। मैं राजयोगी आत्मा कर्म भोग को भी कर्म योग में परिवर्तित कर देता हूं। मैं तन का भाग्य प्राप्त आत्मा हूं। मैं मन का भाग्य प्राप्त आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, सर्व प्राप्ति स्वरूप हूं। अब कोई भी व्यक्ति व वस्तु के तरफ मन का लगाव नहीं। मन में कोई भी इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अपने श्रेष्ठ भाग्य के प्राप्ति के नशे में रहते हुए मन सदा हर्षित। सदा सार स्वरूप में स्थित। सदा ही मन मना भाव। मन की तार सदैव एक बाप से जुटी हुई। मन बाबा के मोहब्बत में रंगा हुआ। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाबा ही मेरा संसार है।
मैं सदा एक बाबा की मोहब्बत के संसार में रहता हूं। मैं भाग्यवान आत्मा सदा ही मन से मुस्कुराता रहता हूं। मैं धन का भाग्य प्राप्त संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। इस संगम युग पर मैं ब्राह्मण आत्मा ज्ञान धन से भरपूर हूं। आराम से रह सकूं इतने आवश्यक स्थूल धन से भी मैं संपन्न हूं। सेवा के लिए जितना धन आवश्यक है उतने धन की कभी भी कमी नहीं। धन के लिए कभी भी खींचा तान नहीं। सेवा के समय भी भाग्य विधाता बाबा किसी न किसी आत्मा को ईश्वरीय सेवा में धन सफल करने के लिए निमित्त बना ही देता है। मुझ धन के भाग्यवान आत्मा को नाम व शान की कोई इच्छा नहीं। सच्चे मन से सेवा का कार्य करते हुए मैं स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करता हूं। सदा सफलता मूर्त अनुभव करता हूं। सच्ची दिल पर साहब राजी है। सच्ची दिल पर साहब सदा राजी है। शिव भोलेनाथ का भंडारा भी भरपूर तो भंडारी भी भरपूर है। मैं धन का भाग्य प्राप्त आत्मा हूं। मैं जन का भाग्य प्राप्त आत्मा हूं। मुझ भाग्यवान आत्मा को ब्राह्मण परिवार से लौकिक परिवार से लौकिक अलौकिक संबंध में आने वाली सभी आत्माओं से सदा स्नेह और सहयोग प्राप्त है। कुछ एक आत्माओं से अपना हिसाब किताब चुकतु करते हुए मैं सभी के प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना रखता हूं।
और जन के रहे हुए हिसाब किताब को भी मैं सहज ही चुकतू करता हूं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा जन संपर्क में आते, संबंध में आते, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित रहता हूं। मैं तन मन धन जन का भाग्य प्राप्त आत्मा हूं। ओम शांति।